अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अवेस आजम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाजीन, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजीन, मेरा आज वो बात करने का जो टॉपिक है वो बहुत, आपको पता है इस टॉपिक के बारे में बहुत पहले ही काफ़ी इतनी डिस्कशन हो चुकी है, इतनी इसमें डिबेट हो चुकी है कि मेरे इसमें डिबेट करने का कोई इतना रोल नहीं बनता। लेकिन ये वीडियो मुझे पहले शूट करनी थी, उसकी वजूहत थी जो मैं थोड़ा सा लेट भी हुआ और मैं बताऊँगा मैं क्यों लेट हुआ। टॉपिक नाजी वही है दुआ जहरा का, कि जो एक बच्ची कराची के इलाके गोल्डन टाउन से गायब हो जाती है रातों रात और 10 दिन तक वो गायब रहती है। सब कश्मकश में रहते हैं कि कहाँ गई, ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, वो बच्ची कहाँ गई। लेकिन अचानक ही कल ही रिपोर्ट होती है कि उसने कल लाहौर में वो लाहौर से वो बाजियाब होती है और लाहौर में उसके पता चलता है कि किसी लड़के से शादी कर दी। नाजिन, ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सब जानते हैं, सारा बायोडाटा आपको पता है कि ये वाक्य किस तरह से हुआ। मैं इस डिबेट नहीं जाऊँगा, मैं लेट इसलिए हो गया कि देखें, पहले एक तो मैं ही कहूँगा कि हमारी आवाम जज्बाती बहुत है, वो देखती है सब एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो सारी एक ही न्यूज़ के पीछे भागते हैं, आया कि वो गलत है सही है, गलत रिपोर्टिंग गलत न्यूज़ उसको आप लोग वायरल कर रहे होते हैं। पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गलत न्यूज़ ना फैलाया करें, उससे जिस फैमिली से ये जो फैमिली इससे एंटिसिपेट हुई है, जो फैमिली इसका विक्टिम बनी है, वो उससे पूछें उसके दिल में क्या गुजर रही है। तो ऐसी गलत न्यूज़ ना फैलाया करें अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल के व्यूज़ के लिए और अपनी रिपोर्टिंग के लिए, कि किसी की दिलाजारी हो और कोई इसका विक्टिम जो बन रहा है उसके लिए कोई हर्टिंग मोमेंट्स हो। खैर, कम टू द पॉइंट नाजिन, मैं 10 दिन पहले मेरी इनके वालिद से, दुआ जहरा के वालिद से मेरी मुलाकात हुई, उसने टाइम भी लिया कि मैं आपकी वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ तो मुझे आपका टाइम चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कह दिया कि JTC के एक फाउंडर हैं ज़फ़र अब्बास, ज़फ़र अब्बास के पास वो चले गए एक दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़फ़र अब्बास के पास मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो शूट दे दूँगा और एक अपना वॉइस रिकॉर्ड दे दूँगा ताकि मेरी बात आगे तक जा सके सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। क्योंकि एक दो दिन पहले इमरान खान साहब का जलसा था तो उसी रात ये बच्ची गायब हुई। तो नाजिन, पॉइंट में आऊँगा कि बच्ची खैर गायब हुई और उसी रात जो बच्ची गायब हुई उसके दो दिन बाद कराची से एक और लड़की गायब हो जाती है, उसका नाम निमरा है। तो ये दोनों लड़कियाँ मशहूरी तौर पर गायब होती हैं और वो उनका पता चलता है कि वो मिल भी गई हैं। एक मेरे घर से कोई नौशहरा के इलाके से मिली है और एक दुआ जहरा लाहौर से मिली। नाजिन, मेरा टॉपिक क्या है बात करने का, टॉपिक मेरा बात करने का ये है, ठीक है वो उनके अपने पर्सनल मैटर्स होंगे, मैं नहीं जाऊँगा कि बच्ची क्यों गायब हुई। बच्ची ने इल्ज़ाम ही लगा कि माँ उसके अब्बा थे, वो जो उसके फादर हैं वो जहनी मरीज़ हैं और वो उस पर उसको हरासा करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उनकी माँ को भी, उनकी और बच्ची को भी। तो बहरहाल उस बच्ची ने ये इल्ज़ाम लगाया, बच्ची का कहना है कि 18 साल माँ बाप मुझे मेरे पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। नाज़िन, टॉपिक मेरा आज ये बात करने का ये है कि जितनी भी ये मेरा ये वीडियो मेरी ये माएँ बहनें और मेरे दोस्त वगैरह सब देख रहे हैं, मेरा मकसद उन क्या है उनसे भी कहने का, सिर्फ इतना ही कहने का ये है, ठीक है पसंद की शादी करना आपका हक है, आप करें। इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त दी कि आप पसंद की शादी बिल्कुल करें, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए सोच लें कि आपका एक इंतहाई कदम आपकी फैमिली के लिए कितना 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 ट्रेजिक मोमेंट हो सकता है। जिस तरह आज दुआ जहरा ने जो उसने एक इंटरव्यू दिया अपना पुलिस स्टेशन पे लाहौर की, कि पबजी गेम के थ्रू उस लड़के से उनकी दोस्ती हुई और वो फरार हो गई। नाज़रीन, ये ऐसे कदम जो है जो उठाए जाते हैं ये बहुत एक्सट्रीम कदम होते हैं, ये उग तो जाते हैं फौरन और लग भी रहा होता है कि आप ठीक कर रहे हो, दिल कह रहा था ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके असरात आपको कई साल बाद जो विद द पैसेज ऑफ टाइम और सालों बाद इसके असरात नजर आते हैं। एक तो नस्लों तक ये बात चलती है कि आपकी फैमिली के थ्रू ये बात चलती है और नस्लों तक ये स्टोरी चलती है, लेकिन ये असरात काफ़ी देर तक पता चलते हैं और फिर बाद में एहसास होता है कि हमने कदम क्यों उठाया। मैं सिर्फ दुआ जहरा, मेरी छोटी बहन है, उसको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप ये चले अल्लाह को खुश रखे आपने कदम उठा लिया, आप खुश हैं उसके साथ। लेकिन मैं और लोगों से ये बात अपना वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरी बहनें हैं या मेरे दोस्त हैं जो भी हैं, वो इतना सोच लिया करें कि माँ बाप का भी आप पर कुछ हक बनता है, आपको वो पालते हैं पोसते हैं और आप पर वो जो है काफ़ी आप पर आपकी देखभाल करते हैं,
आप जब छोटे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको आपका वॉशरूम साफ करना है या कैसे साफ करना है, वो सब आपकी माँ कर रही होती है। आपका बाप आपके लिए दिन रात एक कर रहा होता है कि मेरे बच्चे के लिए खिलौने आ जाए, मेरे बच्चे के लिए टॉयज आ जाए, मेरा बच्चा पेट भर के सो जाए, वो दिन रात एक कर रहा होता है। तो वो क्यों आपके खिलाफ होगा कि आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करें? तो वो क्यों आपको खिलाफ होगा कि आपको ऐसी चीज़ ना दे सके जो आपको पसंद है? हाँ, अगर कोई चीज़ पसंद आपके लिए जायज़ है या नहीं जायज़ है वो माँ बाप बेहतर समझते हैं। हो सकता है इनका फैमिली मैटर हो, दुआ ने जहरा ने क्लेम किया हो कि मैं शादी करना चाहती हूँ, माँ बाप नहीं माने हो, ये इनके पसंद मैटर है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत से लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग ये सोचते हैं, क्या वो इतना वो सोचते हैं कि उनके माँ बाप का भी उनका राइट बनता है? एक बार मेरी बातें सोचें अपने, मैं नहीं कहता कि आपको पसंद की शादी करने का राइट नहीं, बिल्कुल राइट है, आप उन्हें कन्वेंस करें अपने तरीके से, उन्हें एग्री करें, माँ बाप है मान जाएंगे, लेकिन उन्हें एग्री करें। अगर चीज़ अच्छी हुई ना आपके हक में, ज़रूर आपकी प्लेट पर रख के आपकी तश्तरी में रख के ला के देंगे, लेकिन इस तरह वॉयलेट ना करें, इतना वॉयलेंस का शिकार ना बने और ना इतना अपने पेरेंट्स को किसी विक्टिम में ला के खड़ा कर दें, किसी चीज़ पर ला के खड़ा कर दें और किसी एग्जाम पे उनको ला के खड़ा कर दें कि वो आखिर एग्जामिन ना कर पाए कि उन्हें कहाँ जाना है, या ये रास्ता ठीक है ना ये रास्ता ठीक है। नाज़रीन मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा मेरी, लेकिन मैं आपको इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा मेरा मैसेज ये है कि ज़रूर अपने माँ बाप के बारे में सोचें। आज ये जो लड़कियाँ क्लेम कर रही हैं कि उनका माँ बाप उनको पीटते थे या उनका बाप उनको मारता था, नाज़रीन अगर हमारे दीन में, मैं अपने दीन की बात करूँगा, हमारे दीन में अगर आपके माँ बाप काफिर भी है ना, तब भी उन्हें उफ करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो आपके माँ बाप या तो फिर भी मुसलमान की बात है। तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते माँ बाप तो छोड़ दें, अपने माँ बाप की खातिर छोड़ दें, आप अपने माँ बाप की पसंद से शादी करके तो देखें, फिर देखें आपकी लाइफ में कितने फूल, कितने कितनी लाइफ आपकी स्मूथ चलती है, कितनी लाइफ आपकी इतनी आसान हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि वाकई, और ये फ़ौरन नहीं पता चलेगा, आपको 4, 5, 6, 7 साल बाद पता चलेगा कि जो आपके माँ बाप ने आपके लिए लाइफ पार्टनर चूज़ किया था वो कितना बेहतरीन था। तो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद यही था लोगों से, कि जो लोग पबजी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू जो भी शादियां करते हैं, ठीक है आप लोग राइट है करें, आपका जायज़ हक है, और मैं इस बारे में मजीद बहस तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना सोच लें, अपने माँ बाप का चेहरा सामने ले आए कि अगर आपका एक कदम उनके लिए बायस से शर्मिंदगी बनता है या आपके लिए बनता है या आपकी आने वाली नस्लों के लिए बनता है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। दुआ जहरा और निमरा काजमी जो दोषी लड़की जो भी कराची से अभी गायब हुई थी, इनके सारे इश्यूज़ आपको बताया, सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हैं देखते हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो ऐसा कदम उठाते हैं, आया कि वो गलत ही सही है, लेकिन ये कदम उठाने से पहले उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा और फिर सोचिएगा कि आपके आने वाली नस्लों पर इसका इफेक्ट बनता है या नहीं बनता। अपने होस्ट अभी ज़्यादा उनको दें, ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।